Hello class 7, today we will do fishing industry. Many people are fond of eating fish. It is one of the healthiest food in our diet since it contains important nutrients, proteins and vitamin D. बहुत सारे लोग जो हैं फ़िश खाना पसंद करते हैं क्योंकि फ़िश जो है हेल्दी फूड है और इसमें क्या पाया जाता है, देखो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है और विटामिन डी है पाया जाता है. इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच इज़ गुड फॉर योर ब्रेन बॉडी एंड ब्रेन. ये जो मछली में क्या सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है. पीपल इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ईट फिश एंड फॉर दिस रीज़न द फिशिंग इंडस्ट्री हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया में देखो बहुत जगह है जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं जिसकी वजह से फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. द फिशिंग इंडस्ट्री इज़ ह्यूज. द टॉप 5 फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर चाइना, पेरू, इंडिया, इंडोनेशिया एंड यूएसए. फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ जो है ह्यूज इंडस्ट्री है और जो टॉप 5 जो फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ जो कंट्रीज़ है वो है चाइना है, पेरू है, इंडिया है, इंडोनेशिया है और यूएसए. नाउ कम्स द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़. ऑटोमोबाइल मीन्स कार से रिलेटेड जो होता है उसे कहते हैं. वी आर लिविंग इन अ टाइम इन ऑटोमोबाइल्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. आज के दौर में ऑटोमोबाइल्स जो है हम लोग का लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है. वी नीड ऑटोमोबाइल्स टू गो टू स्कूल, ऑफिस, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट एसेट्रा एंड फॉर एमरजेंसीज. ऑटोमोबाइल्स के बिना देखो आज हम लोग कभी कहीं भी नहीं जा पाते, जैसे स्कूल, ऑफिस, प्लेस, एंटरटेनमेंट और भी इमरजेंसीज में ऑटोमोबाइल्स ज़रूरत होता है, जैसे कार, बस, ये सारा ऑटोमोबाइल्स में आता है. ऑटोमोबाइल्स इंक्लूड पैसेंजर कार्स, ट्रक, बसेस एंड अदर फोर व्हीलर व्हीकल्स. ऑटोमोबाइल्स जो है पैसेंजर कार्स है, ट्रक्स है, बसेज है और अदर फोर व्हील व्हीकल्स को ऑटोमोबाइल्स कहते हैं. द टॉप 5 कार प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी एंड साउथ कोरिया. अब आज के दौर का जो टॉप 5 कार प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वो है चाइना है, यूएसए, जापान, जर्मनी एंड साउथ कोरिया. नाउ कम पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज एंड इट्स प्रिवेंशन. इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है और उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे वो पढ़ना है. इंडस्ट्रीज कॉज पोल्यूशन व्हेन फैक्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर गुड्स डंप देयर वेस्ट इनटू वाटर, एयर एंड सॉइल. इंडस्ट्री से कैसा पोल्यूशन होता है, जब जो मैन्युफैक्चर गुड्स जब बनता है, फैक्ट्रीज से जो निकलता है उसका जो वेस्ट है वो जब डंप किया जाता है वाटर, एयर और सॉइल में. विथ मिलियंस ऑफ इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वन कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड एवरी डे. इतना सारा मिलियंस जो इंडस्ट्रीज उससे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. आज जो नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोग का डिग्रेड हो रहा है उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. देन इट्स इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट इज मल्टीपल वेज एंड हैज़ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. इसका जो असर है एनवायरनमेंट में बहुत सारा है और जो हम लोग का ह्यूमन लाइफ और एनिमल के लिए बहुत डेंजरस है. इट हैज़ सीरियस इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स ऑन द प्लैनेट. और इसका जो बहुत सीरियस इफेक्ट्स है, जितना भी लिविंग क्रीचर्स है प्लैनेट में, ये सारा पोल्यूशन से हम लोग इफेक्टेड हैं. इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर टिल हियर टुडे. थैंक यू.